नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित। मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। देखते रहे वीडियो को, कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका से। सेकेंड क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग या अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भाग 20 अनुच्छेद 368 में। भाग 20 और अनुच्छेद कौन सा है? 368। इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पर, कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा तीन प्रकार से दोस्तों। कितने? तीन प्रकार से। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संसद में, LS और RS यानी लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों जो ये संसद है लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है और लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी हम संविधान संशोधन से हेतु विधेयक पेश कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सदन, संसद। कौन सा? संसद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के तहत पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य साथ में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 18वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये इसका आंसर है 18वां संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी हरियाणा पंजाब का पुनर्गठन किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम, कि किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, कि संविधान के किस संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 22वां संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग करके मेघालय राज्य को बनाया गया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नौवां क्वेश्चन है, कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया भारत का। नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन, कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। क्या आंसर है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शब्द को जोड़ा गया। आगे चलते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन पर, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है बारहवां क्वेश्चन, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ग्यारहवां और बारहवां जो क्वेश्चन है इन दोनों का आंसर 42वां संविधान संशोधन ही आएगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जो राज्य सूची समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया वो भी 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन दोस्तों, कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संशोधन। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया? तो इसका आंसर आएगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों हम 15वें क्वेश्चन पर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर आएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो इसका आंसर है 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन, यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया। आगे चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन पर दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 12 अनुसूची को जोड़ा गया है, यानी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर आएगा 74वां संविधान संशोधन, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19वां कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बताया गया है? तो इसका आंसर है 86वां संविधान संशोधन। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा का 8वीं अनुसूची में समावेश किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92, यानी 92वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा GST को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 101वां संविधान संशोधन। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का 22वां कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर आएगा 103वां संविधान संशोधन। क्या आएगा? 103वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपसे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते ही लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें ताकि सभी को फ़ायदा हो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको मेरी और वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर बना दूंगा, तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों जो मैंने आज वीडियो बनाई है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर 100% पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये 22 टॉप क्वेश्चन मैंने बनाए हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ऐसी वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।